हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आ गई हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग होने वाली है वीकली होरोस्कोप अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइंस। एंड ये रीडिंग होने वाली है फॉर द टाइम फ्रेम 7 to 13 of March। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आप जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट यहाँ करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, विच इज़ seekeroftheDivineTruth@gmail.com। एंड अगर आप मुझसे कोई क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। एंड आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे ज़रूर कनेक्ट करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है seekeroftheDivineTruth। और आप लोग उस पर भी मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, या फिर अगर आप वन ऑन वन मुझसे बात करना चाहते हैं तो उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सो इस विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। एवरीवन, अगर आप लोगों की राशि कर्क है यानी कि कैंसर राशि, तो इस हफ्ते तो ये नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए हम देख लेते हैं। थैंक यू। एक तरह से मुझे लग रहा है आपको अपने गले का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ आपका कुछ गले में प्रॉब्लम हो सकती है तो अपने गले का ज़रूर ध्यान रखिए, कुछ गर्म पानी का सेवन करिए। साथ ही बैलेंस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में। कुछ आप लोगों का इंट्यूशन राइज हो सकता है, साथ ही डिवाइन गाइडेंस आप लोगों को रिसीव हो सकती है। अपनी फैमिली के साथ आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ही खुशनुमा रहेंगे आप इस हफ्ते, बहुत ही खुशनुमा वाली एनर्जी में रहेंगे, खुश रहेंगे अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पर हो सकता है आप लोग कुछ सोशल वर्क वगैरह कर सकते हैं, कहीं डोनेशन वगैरह देने जा सकते हैं। और फैमिली का कार्ड तो है ही, साथ ही यहाँ पर पैसे की बहुत ऊर्जा है, आपको कहीं से पैसा रिसीव हो सकता है तो आप उसे डोनेट भी करने कहीं जा सकते हैं। साथ ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बता रहा है कि कोई लीडरशिप रोल आप लोगों के लिए इस हफ्ते आ सकता है, लीडरशिप पोजीशन आप लोगों के लिए आ सकती है। और बैलेंस लेकर आइए अपनी ऊर्जा में, साथ ही एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत हैं आप लोगों के ऊपर। थैंक यू सो मच। एंड इस हफ्ते बहुत ही खुश रहेंगे कर्क राशि, मैं आपसे क्या ही बोलूँ आप लोग बहुत खुश रहेंगे इस हफ्ते। एंड अपने आप का ध्यान रखेंगे आप लोग, अपने आप का ध्यान रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अपनी बॉडी का ध्यान रखना, बॉडी इज़ योर टेम्पल यू नो, तो बॉडी का ध्यान रखना आपकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। एंड ये कार्ड आया है टेक अ ब्रेक, लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो इस हफ्ते कहीं छुट्टी मनाने आप लोग जा सकते हैं, कहीं वेकेशन मोड में रह सकते हैं आप लोगों को, कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। साथ ही आप लोग अपनी फैमिली के साथ ही छुट्टी मनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और बहुत ही अबंडेंट रहेगी आप लोगों को, बहुत ही खुशी से भरा हुआ रहेगा ये हफ्ता। और ना पैसों की कमी है, ना प्यार की कमी है, सब कुछ है आप लोगों के पास, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लकी रहेंगे आप लोगों का, लक फैक्टर बहुत हाई रहेगा। एंड 10 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस वीक, तो 10 नंबर को ध्यान रखिएगा। साथ ही एंजल नंबर 10 की ऊर्जा है, तो कोई इम्पॉर्टेंट साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट करी है तो वो साइकिल जो है, तो आपको जो भी बुरी चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। एंड इस हफ्ते से कोई नई बिगनिंग आ रही है, कोई अच्छी बिगनिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए, या तो कोई नई जॉब हो सकती है, या फिर कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा। एंड हमारे पास प्राणायाम का कार्ड यहाँ पर है, तो आपसे कहा जा रहा है अपनी ब्रेथ का ध्यान रखिए, अपनी सांसों का ध्यान रखिए, प्राणायाम करने के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है। और साथ ही हमारे पास है अहिंसा का कार्ड, जो कि हमें दिखा रहा है कि अहिंसा बहुत ज़रूरी है, तो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। और इस हफ्ते शांति रखिएगा, अपने मन के भीतर की जो शांति है उसको रखिएगा, और बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइएगा, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ही अच्छे भर भर के ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। साथ ही हमारे पास है स्वादिष्ठान, इस हफ्ते आप लोग बहुत पैशनेट फील करेंगे, एंड रोमांटिक वे में भी, और साथ ही अपने काम के प्रति भी आप लोग बहुत ही पैशनेट रहेंगे। और अपने पार्टनर के साथ ही घूमने जा सकते हैं, और अपने आपके पार्टनर और आपके बीच रिलेशनशिप्स सुधर सकते हैं,
प्यार बढ़ सकता है आप लोगों का। सो यस कर्क राशि, ये थी आप लोगों के लिए इस हफ्ते की रीडिंग। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।